जो मिस सेलेस्ट इंडिया आप जो करा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। मिस सेलेस्ट इंडिया जो है एक डोर है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में भेजने का एक डोर हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें पहले सीजन में हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया और ग्लोब इंडिया अनाउंस करेंगे, और वो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस इंडिया बन के एक जो गर्ल है वो इजिप्ट में जाके इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया बन के वहाँ रिप्रेजेंट करेंगी, और एक अल्बानिया में नवंबर माह में ग्लोब इंडिया बन के इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। सो देश रिप्रेजेंटेशन के लिए जो गर्ल्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, मिस सेलेस्ट इंडिया उसी का डोर है। मिस सेलेस्ट के साथ साथ आप मिस राजस्थान भी कराते हैं। आप जो मिस सेलेस्ट इंडिया आप जो करा रहे हैं उसके जो मिस जो मिस सेलेस्ट इंडिया आप जो करा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। मिस सेलेस्ट इंडिया जो है एक डोर है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में भेजने का एक डोर हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें पहले सीजन में हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया और ग्लोब इंडिया अनाउंस करेंगे, और वो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस इंडिया बन के एक जो गर्ल है वो इजिप्ट में जाके इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया बन के वहाँ रिप्रेजेंट करेंगी, और एक अल्बानिया में नवंबर माह में ग्लोब इंडिया बन के इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। सो देश रिप्रेजेंटेशन के लिए जो गर्ल्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, मिस सेलेस्ट इंडिया उसी का डोर है। मिस सेलेस्ट के साथ साथ आप मिस राजस्थान भी कराते हैं। आप गर्ल्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं, कहते हैं कि नारी शक्ति को आप बढ़ावा देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिस राजस्थान 25 साल से हम लोग कर रहे हैं, 25 ईयर्स हो गए हैं, और यहाँ की बच्चियाँ बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाके देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। स्टेट खेलती हैं, नेशनल खेलती हैं, इंटरनेशनल खेलती हैं। एक तरीके की स्पोर्ट्स स्पिरिट है, और ज़्यादातर पेजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो लोगों में नॉलेज नहीं है, इसको फैशन लाइन मानते हैं। राजस्थान में रूरल बैकग्राउंड रहा हुआ है, और जो बच्चों को आगे नहीं आने दिया जाता है, गर्ल्स को नहीं आगे नहीं कि छोटे कपड़े पहनेंगे या ऐसा या वैसा, अभी भी वो भ्रांतियाँ हैं। ये स्पोर्ट्स है, बच्चा स्टेट खेलता है, नेशनल खेलता है, और इंटरनेशनली जाके देश को रिप्रेजेंट करता है। 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में स्पोर्ट्स का दर्जा ब्यूटी पेजेंट्स को मिला हुआ है, तो लोगों को पेजेंट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही देखना चाहिए और अपनी बच्चियों को भेजना चाहिए। जो गर्ल्स हैं जो आगे नहीं आ पाते उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? एक्चुअली जो गर्ल्स आगे नहीं आ पाती है, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि खुद में बिलीव करो, बिकॉज़ आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। यू हैव टू टेक योर स्टैंड बाय योर ओन। तो आपको जो करना है आपको वो करके दिखाना है। नो मैटर वॉट हैपन्स बैक स्टेज, वॉट यू आर इज ऑन स्टेज, दैट्स ऑल। गर्ल्स को कैसे स्टार्ट करना चाहिए इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, कैसे उनको आगे आना चाहिए? सबसे पहले कोई भी लड़की एक सपना देखती है, और जब उस सपने को साकार करना होता है तब वो आगे बढ़ती है। मिस राजस्थान में जब मैं आई थी 2019 में, तब मैं भी एक रॉ बच्ची थी जिसको चलना भी नहीं आता था, बट मिस राजस्थान ने मुझे सिलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे ग्रूम किया। तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं होता, सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें हमें ग्रूम किया जाता है नेशनली और इंटरनेशनली कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो माय नेम इज़ मिताली एंड आई एम मिस इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया 2021, मिस ग्लोबल इंडिया 2019। सो आई हैव रिप्रेजेंटेड ट्वाइस इंडिया एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अमंग 74 कंट्रीज़। सो मिस राजस्थान से मेरी जर्नी शुरू हुई थी और आज जो भी हूँ मिस राजस्थान के कारण ही हूँ। तो लड़कियाँ ये नहीं सोचें कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे आएंगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप यहाँ पे आइए, आप सिलेक्ट होंगे, उसके बाद आपको ग्रूम किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। बहुत सारे मेंटोर्स होते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल मेंटोर्स होते हैं यहाँ पे जो आपको ग्रूम करते हैं, और उसके बाद फिर आप इंटरनेशनली परफॉर्म करते हो। मिस राजस्थान आप रहे हैं, तो फिर बाद में आपको करियर में आपको कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आफ्टर मिस राजस्थान मुझे ऐसा फील हुआ है कि आई हैव बिन इन टू प्लेसेस वेर आई हैव नेवर बिन टू। आई हैव सीन द प्लेसेस, आई गॉट टू मीट लॉट ऑफ पीपल। बहुत ही अलग टाइप का एक्सपोजर है, बिकॉज व्हेन यू मीट, व्हेन यू इंटरेक्ट विद मीडिया एंड व्हेन यू गेट अ हैंग ऑफ पीपल, यू अंडरस्टैंड वेर यू आर प्लेस्ड। सो मुझे एक तरीके का रिकग्निशन एंड देर इज दिस कॉन्फिडेंस विच मिस राजस्थान एडेड इन मी।
आई फील इमेंस कॉन्फिडेंट मैं कहीं पे भी जाती हूँ, देयर इज दिस रिकॉग्निशन, ओ यू आर मीटिंग द मिस राजस्थान. यस, सो ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट गेम फॉर मी नाउ. एंड व्हेन आई स्टार्टेड मिस राजस्थान, आई स्टार्टेड दैट ओके दिस इज समथिंग आई लुक अप टू एंड आई रियली वॉन्ट टू डू इट. एंड देन व्हेन इट हैपेंड, सो आई एम वेरी ग्लैड एंड इट्स जस्ट एडिंग ईच डे. It's adding to my exposure. It is adding me meeting new people, making friends, and getting along with mentors. I believe. Thank you. Thank you. आप किस तरह का look launch कर रहे हैं? आज हम यहाँ Silver In Salon पर हैं. आज मैं पूर्णिमा गोयल. मैंने आज look launch करे हैं Celeste India के. किस तरीके से मॉडल्स इतनी मेहनत करती हैं अपने लुक को चेंज करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो हम इसी इन दीवास के थ्रू उस तरीके के लुक्स लॉन्च कर रहे हैं कि किस तरीके का मेकअप इन्हें करना चाहिए अपने आप को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने के लिए, किस तरीके से मिस इंडिया में फ़ाइट कर सकती हैं. तो मॉडल जो इतने मेहनत करती हैं अपने लुक्स को लेके, उसी तरीके के लुक्स हम इनको सिखा रहे हैं कि किस तरीके के लुक्स इनको कैरी करने चाहिए, किस तरीके का आई मेकअप होना चाहिए, किस तरीके का हेयर स्टाइलिंग होना चाहिए. तो वो लुक्स हम आज यहाँ लॉन्च कर रहे हैं.